सो गाइस, हेयर इज सुजुकी इंट्रूडर BS6 मॉडल। बहुत दिनों से दोस्तों मैं सोच रहा था कि इस बाइक का रिव्यू करूं, लेकिन फिलहाल ये बाइक हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हो रही थी। जैसे आप लोग को पता है कि COVID-19 की वजह से अभी हमारे ट्रांसपोर्टेशन का क्या हाल है, लेकिन फाइनली दोस्तों अब आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए सुजुकी इंट्रूडर का वीडियो लेकर आ गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में सुजुकी इंट्रूडर का कम्प्लीट रिव्यू करेंगे, कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन जानेंगे, देखेंगे ये बाइक कैसे है। मेरे हिसाब से तो ये बाइक लुक के हिसाब से बहुत प्यारी लगती है, बट डिपेंड करता है कि आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। और सुजुकी की गाड़ियां दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, तो ये गाड़ियां काफी अच्छी होती है, काफी ज्यादा मजबूत होती है और इंजन इनका काफी स्मूथ होता है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सुजुकी इंट्रूडर BS6 मॉडल के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्राइस के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदना चाहते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसके बजट के बारे में सोचते हैं, हमारे मनी के बारे में सोचते हैं, उसके बाद ही हम उसका स्पेसिफिकेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे पहले हमें प्राइस के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ही दोस्तों हमें कुछ और भी चीज़ें बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मनी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सुजुकी इंट्रूडर BS6 मॉडल के प्राइस के बारे में। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों वो है 1.22 लाख, 1,22,000 रुपए में ये बाइक हमें एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो देखिए पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप लोग के स्टेट में एंड मेरे स्टेट में आप लोगों को ऑन रोड प्राइस में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट में दोस्तों RTO एंड इंश्योरेंस के जो चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं, इस वजह से ऑन रोड प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मेरे यहाँ ये बाइक 1,45,000 रुपीज़ में ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है, 1,45,000 रुपये में ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों के यहाँ इसका क्या प्राइस है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में 4-stroke 1-cylinder एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। 155cc का इंजन यूज किया गया है, 155cc का इंजन इसमें लगाया गया है। दोस्तों मैक्सिमम पावर में 13.6 का PS पावर मिल जाता है, जो कि 8000 RPM पे पावर जनरेट करता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 13.8 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है, जो कि 6000 RPM पे पावर जनरेट करता है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में दोस्तों एयर कूल्ड देखने को मिल जाता है, 2 वॉल्वो के साथ डिजाइन किया गया है। ड्राई टाइप में चैन ड्राई देखने को मिल जाता है। एंड स्टार्टिंग टाइप में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन मिलता है, किक का ऑप्शन नहीं मिलता। वहीं दोस्तों फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है, जिसे हम फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं, और नॉर्मली जितनी भी BS6 गाड़ी आ रही है सब में फ्यूल इंजेक्शन ही यूज किया जा रहा है। ट्रांसमिशन मैनुअल देखने को मिल जाते हैं। गियर बॉक्स में इस बाइक में आपको ऑब्वियसली 5-speed गियर बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों इसके बोर एंड स्ट्रोक के बारे में। इस बाइक की जो बोर है दोस्तों वो है 56mm की, और बाइक की जो स्ट्रोक है दोस्तों वो है 62.9mm की। वहीं अगर हम बात करें इसके माइलेज के बारे में, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी आप जानते हैं कि पेट्रोल के दाम क्या है, पेट्रोल के प्राइस हैं क्या, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है माइलेज। ये बाइक आपको इजिली 45-50 के आसपास का माइलेज हाईवे पर दे देती है, एंड 40-45 के आसपास का माइलेज आपको सिटी में देखने को मिल जाता है, क्योंकि बाइक में पावर रेशियो काफी कम है, 150 के हिसाब से नॉर्मल है एज यूजुअल, तो उसके हिसाब से इसमें आपको माइलेज ज्यादा देखने को मिल जाएगा ऑब्वियसली। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके स्पीडोमीटर के बारे में एंड सेफ्टी के बारे में, यह भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों इंट्रूडर में, जी हाँ, सुजुकी इंट्रूडर में हमें स्पेशल फीचर में सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। जी हाँ, सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, जो कि हमारी सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया गया है। जैसे आपको पता है ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम,
जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेकिंग क्वालिटी होती है यानी कि ब्रेकिंग की जो परफॉर्मेंस होती है दोस्तों वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। बात कर लेंगे दोस्तों इसके स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर आप लोगों को इसमें बहुत ही प्यारा फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके स्पीडोमीटर के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसमें आप लोगों को स्पीडोमीटर डिजिटल मिल जाता है, टेकोमीटर डिजिटल मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, ABS की लाइट मिल जाती है, फ्यूल गेज इंडिकेटर मिल जाता है, गियर इंडिकेटर मिल जाता है, जहाँ गियर इंडिकेटर भी मिलता है, इंजन माल फंक्शन लाइट भी आपको इसके स्पीडोमीटर में देखने को मिल जाता है। नॉर्मली इसका स्पीडोमीटर मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा। आप देखेंगे इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है। बात करेंगे दोस्तों अगर हम इसके चेसिस एंड सस्पेंशन के बारे में, बॉडी टाइप में क्रूजर बाइक, जी हाँ क्रूजर बाइक है, जैसे स्पोर्ट बाइक होती है, नेकेड बाइक होती है, ये क्रूज बाइक है। वहीं दोस्तों बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में, फ्रंट सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है नो डाउट। एंड रियर सस्पेंशन में स्विंग आर्म आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे है, नो प्रॉब्लम। बात कर लेंगे दोस्तों हम इसके लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इस बाइक की दोस्तों जो ओवरऑल लेंथ है वो है 2130 mm की। इस बाइक की जो वीट है दोस्तों वो है 805 mm की। वहीं दोस्तों इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट है, सीट हाइट नहीं, जो ओवरऑल हाइट है वो है 1095 mm की। मतलब इस बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोस्तों वो है 11 लीटर की, एक बार में आप 11 लीटर पेट्रोल फिल करा सकते हो। वहीं दोस्तों इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 740 mm की, 740 mm की सीट हाइट है, यानी कि सीट हाइट इसकी काफ़ी कम है। अगर आपकी हाइट 5 या उससे ऊपर है तो आप इसे इजिली चला सकते हो। वहीं इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी है, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। वहीं बाइक की जो व्हील बेस है दोस्तों वो है 1405 mm की। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेंगे बाइक के वेट के बारे में, तो बाइक का जो वेट है काफी अच्छा है, ना ज्यादा ना कम, 152 kg की बाइक है सुजुकी इंट्रूडर BS6 मॉडल। बात कर लेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, काफी अच्छे इलेक्ट्रिकल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर इसमें LED दिया जाता सुजुकी जिक्सर SF की तरह तो मुझे और भी ज्यादा बेटर लगती। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, तो हेडलाइट में फिलहाल आपको हेलोजन देखने को मिल जाता है, टेल लाइट में LED देखने को मिल जाती है, टर्न सिग्नल लैंप में बल्ब देखने को मिल जाता है, साथ में LED टेल लाइट्स मिल जाती है, बैटरी टाइप में MF बैटरी मिल जाती है जिसे मेंटेनेंस फ्री बैटरी कहते हैं, और बैटरी कैपेसिटी में 12 वोल्ट की 3 AS की बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से स्पोर्ट बाइक के हिसाब से कम 5 AH की बैटरी यूज किया जाना मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहता है। इसमें कम से कम 5 AH की बैटरी सुजुकी को प्रोवाइड कराना था। बात कर लेंगे दोस्तों हम इसके टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे सबसे पहले टायर्स के बारे में, तो इस बाइक में दोस्तों फ्रंट में 180 का टायर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, 180 का टायर आपको इस बाइक में फ्रंट में देखने को मिल जाता है, एंड 140-60 का टायर हमें इसमें रियर में देखने को मिल जाता है, 140-60 यानी कि टायर में आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छे टायर देखने को मिल जाते हैं। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर। बात कर लेंगे दोस्तों हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैंने आपको पहले बताया था इस फेसल मिसर में आप लोगों को इस बाइक में सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। जी हाँ, सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। 17 इंच की व्हील देखने को मिल जाती है जो कि आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाती है। बात करेंगे हम अगर डिस्क प्लेट के बारे में, तो इस बाइक में आपको दोनों ही साइड डिस्क देखने को मिल जाएगी। इस बाइक में दोस्तों फ्रंट में 266 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है, 266 mm की, एंड 240 mm की जो डिस्क प्लेट है दोस्तों हमें रियर में देखने को मिल जाती है सुजुकी इंट्रूडर BS6 मॉडल में। तो ये था दोस्तों सुजुकी इंट्रूडर BS6 मॉडल का कंप्लीट रिव्यू। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा, और ये भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को बाइक कैसी लगी। देखिए दोस्तों मुझे तो ये बाइक काफ़ी अच्छी लगी। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये बाइक जो है वो कम्फर्ट के नाम से जानी जाती है। जी ये बाइक बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, अगर आप इसे चलाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे मैं सोफे में बैठ के गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे इंट्रूडर काफ़ी अच्छी लगी, माइलेज के मामले में काफ़ी अच्छी है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि सुजुकी की गाड़ियाँ यानी कि जापानीज टेक्नोलॉजी, और जापानीज टेक्नोलॉजी का जो इंजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस बाइक को परचेज़ करने की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से जस्ट गो फॉर इट दोस्तों, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। मेरे हिसाब से आप इस बाइक को खरीद सकते हो, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और मेंटेनेंस में भी यह बाइक काफ़ी अच्छी है, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।